तस्वीरें यूपी के हापुड़ की है, जहां रहस्यमयी सांप को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने अभियान चलाया हुआ है। इसके लिए बकायदा सपेरा बुलाया गया, जो बिन की धुन पर गलियों और घरों में सांप का बिल तलाश रहा है। सिर्फ सपेरा ही नहीं, ग्रामीण खुद भी चप्पे चप्पे पर इस जहरीले जीव को खोज रहे हैं, जो उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। रहस्यमयी सांप के आतंक ने गांव के लोगों के रात की नींद और रातों का सुकून छीन लिया है। हर वक्त लोग अपने आसपास निगरानी करते रहते हैं कि किसी कोने से निकलकर सांप उनके शरीर पर अपना जानलेवा दांत न गड़ा दे। दहशत का आलम यह है कि माएं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रही है, जबकि युवक डंडे लेकर झुंड बनाकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, सांप के खौफ ने इनके जिंदगी को नरक बना दिया है। यह पूरा मामला दिल्ली से पास मौजूद हापुड़ जिले के सदरपुर गांव का है, जहां एक रहस्यमयी सांप का खौफ पसरा हुआ है। इस सांप ने अब तक कुल 5 लोगों को काट चुका है। सिर्फ 5 दिन में सांप ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है। एक ही रात में घर में सोए माँ और उसके 2 बच्चों को काट लिया। जहर की वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद एक दूसरे परिवार पर सांप का कहर टूट पड़ा। दिन में पति और उसी रात को उसकी पत्नी को भी सांप ने डस लिया। हालांकि समय पर अस्पताल पहुंचने से दोनों की जान बच गई। गांव में 5 लोगों को सांप के डसे जाने से ग्रामीण परेशान हैं। सांप के खौफ के बीच ही गांव में अफवाहों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसे नागिन का बदला कह रहे हैं, तो किसी इसे कोई किसी पुरानी कहानी से जोड़ रहा है। हालांकि ऐसी किसी बात की कोई पुष्टि नहीं है। दहशत की वजह से गांव में पलायन भी शुरू हो गया है। बच्चों को लोग रिश्तेदारों के घर भेज रहे हैं। गांव के लोगों ने अपने खर्चे पर सपेरा बुलाया था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी सांप नहीं पकड़ा जा सका। सांप को लेकर गाँव में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सांप को पकड़कर दहशत और अफवाह दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। इस रहस्यमयी सांप को खोजने के लिए प्रशासन भी सक्रिय है। वन विभाग की टीम ने भी गांव में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सबके हाथ खाली हैं। सांप गायब है और गांव में दहशत का माहौल कायम है।